हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 11th और हमारी क्लास 11th की बुक इंग्लिश, जिसका नाम है बच्चों हॉर्नबिल, उसी का लेसन नंबर 2, जिस स्टोरी का नाम है बच्चों वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसे तैयार किया था गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा और स्टोरी आपको समझ पर आई होगी। आज बच्चों हम इसी स्टोरी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन, यानी कि कौन कौन से कदम कैप्टन ने उठाए। पहला क्वेश्चन है, कदम उठाने के लिए वे पूछ रहे हैं हमसे कि टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो गया था, मौसम जब बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गया था, तब कैप्टन ने अपनी शिप को प्रोटेक्ट यानी कि बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो बच्चों देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। सबसे पहले जब कैप्टन ने पाया कि भाई मौसम जो है बहुत तीव्र गति से बदल रहा है और परिवर्तन हो रहा है, तब उसने सबसे पहले अपनी नाव को, अपनी शिप को जो है स्लो इट डाउन यानी कि थोड़ा सा धीमे कर लिया, ताकि तेज गति से किसी प्रकार का नुकसान ना हो। द स्टॉर्म जिप ड्रॉप्ड, और जो तिकोना पाल रहता है उन तूफानी तिकोने पाल को छोड़ दिया गया, ड्रॉप्ड कर दिया गया। एंड हैवी रोप्स वर टाइड अक्रॉस द स्टर्न ऑफ द शिप, और जो जहाज का हिस्सा होता है, जहाज का जो हिस्सा होता है उस पर, उसको जो है उन्होंने जहाज के हिस्से को हैवी रोप्स यानी कि मजबूत रस्सों से टाइड यानी पूरे चारों तरफ से बांध लिया। एवरीथिंग वॉज बाउंड सिक्योरली विथ रोप्स, हर चीज़ को, हर शिप की हर चीज़ को उन्होंने सुरक्षित तरीके से रोप से बांध लिया और ये सुरक्षा कवर अपने लिए बना लिया। एवरीथिंग वॉज बाउंड सिक्योरली विथ द रोप्स, यानी हर चीज़ को उन्होंने जो है रोप से बांध लिया, ताकि कोई भी चीज़ जो है गड़बड़ ना हो और वह तूफान का सामना और जो बिगड़ते हुए मौसम का सामना कर सके और उनकी शिप किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो अपनी शिप को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन ने ये सारी चीज़ें करी। अब बच्चों क्वेश्चन इसी का जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2nd पार्ट है आपके सामने, यहाँ पे आप देख रहे हो, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, यानी कि अब जो पानी जो है शिप में भर रहा था, बाढ़ का पानी, मतलब जो समुद्र का पानी जो उसकी शिप पे भर रहा था, उसको चेक करने के लिए, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, उस कैप्टन ने कौन से कदम उठाए। तो इसके तहत देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, लॉरी एंड हब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। जो लॉरी और हब, ये दोनों जो क्रूमैन थे, इन दोनों ने लगातार पानी की पंपिंग करी, बिना रुके ये लोग पंपिंग करते रहे। द कैप्टन स्ट्रेच कैनवास, कैप्टन ने कैनवास को स्ट्रेच यानी कि फैला दिया, एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जितने भी शिप पर गैपिंग होल्स यानी खुले हुए छेद थे, होल्स थे, उनको जो है हैच कवर करके पूरी तरीके से सिक्योर्ड यानी सुरक्षित कर लिया गया। ही यूज एन इलेक्ट्रिक पंप, कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट, और उन्होंने जो उनका इलेक्ट्रिक पंप था उसको कनेक्ट किया, किससे किया, आउट पाइप से, और उसे शुरू कर दिया, ताकि पानी जो है, अंदर का पानी जो है, जो शिप पे भर रहा था, वो बाहर जा सके। तो ये कदम उठाए थे उन्होंने क्या करने के लिए, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, यानी कि फ्लडिंग वाटर जो शिप पे भर रहा था उसको चेक करने के लिए ये कदम कैप्टन ने उठाए और उसके जो क्रूमैन और उसके साथी थे उन्होंने उठाए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th January, यानी कि 4 और 5 January के तहत जो समुद्री यात्री लोग थे, जो समुद्र की यात्रा पे निकले थे, जिसमें कैप्टन और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स प्लस 2 क्रू मेंबर्स, तो उनकी यात्रा में 4 और 5 January को जो मेंटल कंडीशन रही उनको दर्शाना है, उनका यहाँ वर्णन करना है। तो ऑन 4th and 5th January द वॉयजर्स एज After the continuous pumping for 36 hours, the water had nearly been drained out. यानी कि 4 और 5 January के तहत उन्होंने ये पाया कि जो voyagers थे, यानी कि जो समुद्र यात्री थे, जितने भी लोग जो उस ship पे थे, उन्होंने 36 घंटे यानी कि continue pumping किया पानी को, 36 hour तक continue, और पानी को पूरा बाहर निकाला, लगभग सारे पानी जो है निकल चुका था, खतरा थोड़ा बहुत टल चुका था। They faced the dangerous
सिचुएशंस ऑन, लेकिन ये तो स्थिति थी चार की, लेकिन चार और पाँच की, फिर परंतु क्या होता है कि पाँच को ही दे फेस द डेंजर सिचुएशंस ऑन जनवरी 5th, पाँच को ही उन्हें जो है एकदम से खतरनाक स्थिति फिर से बन जाती है, बहुत ज़्यादा जोखिम स्थिति बन जाती है, एज द शी गॉट वॉर्स, क्योंकि जो समुद्र की जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही थी, वॉर्स ड्यूरिंग द नाइट यानी रात्रि के समय बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी स्थिति, एंड दे वर अंडर अ ग्रेट स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा तनाव ग्रसित हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ ना कुछ गलत हो जाए, तो ये स्थिति रही, ये उनकी जो मेंटल दशा रही वो पूरी तनाव पूर्वक रही, तनाव से भरी रही 5th और 4th and 5th जनवरी के तहत, 5th and 4th जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट, गिव अ सबटाइटल टू ईच सेक्शन, यानी कि हमें वर्णन करना है उन चरणों का, उन शिफ्ट का, यानी कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं इस कहानी में, घटनाओं के जो भी घटनाएं उसमें बताई गई हैं, तीन चरणों में जो घटनाएं बताई गई हैं, तीन सेक्शन के तहत इंडिकेट जो करी गई हैं उनका वर्णन हमें करना है और उन सभी का हमें एक सबटाइटल भी देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सबटाइटल हमने बना लिया, वी आर Not afraid to die। अब इसके तहत हम देख लेते हैं कि जो पहला चरण था, जैसे कि हमारी कहानी बच्चों तीन चरणों में ही मेन अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम तीन चरण उसके पाते हैं, तीन भाग उसके पाते हैं। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस बिगेन विद ग्रेट होप, पहला चरण में हमने ये पाया कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सरलता से अपनी समुद्री यात्रा को शुरू कर दिया था, विद ग्रेट होप यानी कि बड़ी ही अच्छी आशा के साथ इन जुलाई 1976, यानी कि उनकी यात्रा 1976 मंथ जुलाई में शुरू हो गई थी। द वेव वॉकर हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और जो उनकी नाव थी, जो शिप थी वेव वॉकर, उसे बड़े ही प्रोफेशनली तरीके से उसको तैयार किया गया था। इट हैड बीन थोरली टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर, यानी कि उसको बुरे से बुरे मौसम में उसका परीक्षण किया गया था, उसको देखा गया था कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। दे सेल डाउन टू केप टाउन, और जब वे यात्रा कर रहे थे केप टाउन के लिए ऑन 2nd जनवरी, द वेव्स वर गिगेंटिक, यानी कि ऑन 2nd जनवरी जो वेव्स थी, लहरें थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। दे आर कॉट इन अ टेरिबल स्टॉर्म, और वो जो है बहुत ही बुरे भयानक तूफान पर, समुद्री तूफान पर फंस गए थे। दे थिंक देयर एंड इज़ नियर, और वह ये सोच रहे थे कि अब तो अंत बिल्कुल निकट है, बिल्कुल हमारी मृत्यु अब निकट आ चुकी है। बट ईच वन शोज़ अ रेयर करेज, लेकिन सब ने अपना अपना जो है साहस दिखाया, जिसमें से जो जनार्दन थे यानी कि नरेटर का जो पुत्र था, उसने ये डिक्लेयर किया, यानी कि ये ऐसा उसने कहा, घोषित किया अपने सबके सामने, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू मम्मी यू एंड आई, और उसने अपने पिता से कहा कि हम मरने से नहीं डरते, हम मृत्यु से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हैं, आप हो यानी अपने पिता से, वे कहता है कि आप हो, मम्मी है, शिव यानी कि सुजैन है, और मैं हूँ, यदि हम सब साथ हैं तो हमें मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। दूसरा चरण, ये तो पहला चरण हो गया बच्चों, अब जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में देखते हैं, सर्च फॉर एन आइलैंड, यानी कि स्टोरी के सेकंड भाग में हम ये पाते हैं कि वह जो है एक आइलैंड की तलाश में, जो 65 किलोमीटर तक का था, और मतलब बहुत ही छोटा आइलैंड था, मतलब कहने चाहिए बहुत बड़े समुद्र में एक पिन की नोक के बराबर, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा वो आइलैंड था, उसकी जो साइज़ बताई गई है वो पिन के नोक बराबर बताई गई है। तो उस आइलैंड के तलाश में उसके सर्च वो करते हैं उस आइलैंड को। द सेकेंड सेक्शन डिस्क्राइब, हमें वही बताता है दूसरा चरण, द सेकेंड सेक्शन डिस्क्राइब दिया स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल फॉर द लास्ट 15 आवर्स, यानी कि दूसरे चरण में हमने पाया कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था अपने आपको बचाने के लिए करीबन 15 घंटे तक लगातार। ऑन 4th जनवरी दे एट देयर फर्स्ट मील, और 4th जनवरी को उन्होंने अपना दो दिन से वो जो भोजन भी नहीं कर पा रहे थे तो अपना पहला मील दो दिन के दौरान लिया था, एट ऑलमोस्ट 2 डेज, बट द रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उनकी राहत उन्हें मिली थी 4th जनवरी को बहुत ही कुछ समय की थी। दे सर्च्ड फॉर द आइलैंड, और वह जो है किसकी तलाश में भटक रहे थे, किसकी तलाश में थे वो लोग, आइलैंड में, आइलैंड की, ताकि वह द्वीप यदि मिल जाता तो वहाँ पर वह आश्रित हो जाते या रुक जाते, तो उनको उनका जो
खतरा मंडरा रहा था, लहरें जो बार बार आ रही थी, मौसम जो बिगड़ रहा था वो नहीं होता और उनको नुकसान नहीं होता, तो वो उसके सर्चिंग में, आइलैंड के सर्चिंग में लगे थे, इसलिए इसका सबटाइटल हमने दिया है सर्च फॉर एन आइलैंड, यानी कि एक द्वीप के तलाश। अब तीसरा अब चरण देख लेते हैं बच्चों, चीयरफुल लैंडिंग, यानी कि बहुत अच्छे से जो उन्होंने लैंडिंग करते हैं उस आइलैंड पर जिसकी तलाश पर वे निकलते हैं, उस पर वो लैंडिंग करते हैं, बड़ी ही राहत उनकी लैंडिंग होती है उस द्वीप पर। तो थर्ड सेक्शन यही है, द थर्ड सेक्शन डिस्क्राइब्स द चीयरफुल लैंडिंग ऑन द आइलैंड, यानी कि तीसरा चरण यही हमें समझाता है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है बहुत ही आरामपूर्वक अपनी लैंडिंग करी और उस द्वीप पर। जॉन गेव द गुड न्यूज़, जॉन ने आकर एक अच्छी सूचना दी, एक अच्छा न्यूज़ बताया, और वो ये बताया उसने सबको, अपने पिता को, द आइलैंड वॉज इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि वह आइलैंड तक पहुंच चुके हैं और आइलैंड जस्ट उनके बाहर देखें तो सामने ही है, इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, इन फ्रंट ऑफ देम ऑल इट्स 28 इनहेबिटेंट्स वर देयर टू चीयर एंड हेल्प देम एश्योर, यानी कि वहाँ के जितने भी 28 निवासी थे वह उनको वहाँ पर मदद करने के लिए, उनको राहत देने के लिए और उनको तट पर ले जाने के लिए, मदद प्रदान करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये उनकी जो चीयरफुल लैंडिंग होती है, यानी कि एक कहना चाहिए प्रसन्नता से भरी हुई, सुख से भरी हुई जो लैंडिंग होती है इस द्वीप में, ये इसका हानि का तीसरा सबसे प्रमुख चरण था, है ना, ये सबसे प्रमुख चरण था। तो ये ऐसे तीन चरण थे जो कहानी को पूरा बांट के रखे हैं, पूरी कहानी में हमने इन तीन चरणों के तहत ही, मतलब ये तीन चरणों में ही कहानी आपकी घूम रही है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और उसके बाद फिर उन्होंने आइलैंड की तलाश करी, चार्ट रूम से जाकर समुद्री चार्ट जो नक्शे होते हैं उससे आंकलन किया, सब चीज़ फाइंड आउट करी और उसके बाद फाइनली वो उस स्थान पर, उस द्वीप पर सुरक्षित पहुंच गए और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, सब सुरक्षित वहां पर उस पर लैंडिंग करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर, यानी अपने पार्टनर से हमें इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, आपस में डिस्कशन करना है। तो उसके तहत जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रंस व्हेन फेस्ड विद डेंजर, यानी कि आप क्या अंतर पाते हैं, क्या अंतर को आप नोटिस करते हैं, किस किस के बीच में जो प्रतिक्रिया थी वयस्कों की, यानी कि जो एडल्ट थे बड़े थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी जब वे खतरों का सामना कर रहे थे, जब वे फेस कर रहे थे डेंजर को और जब डेंजर की स्थिति से गुजर रहे थे। There was a lot of difference between the reaction of adults and the children's when face the danger. यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर था उनकी प्रतिक्रियाओं में जो बड़े सामना कर रहे थे और जो बच्चे सामना कर रहे थे खतरों का। The adults lost hope and waited for their end. यानी कि जो वयस्क थे, जितने भी बड़े लोग थे, उन्होंने अपनी आशाओं को खो दिया था और उन्हें लग रहा था कि मृत्यु अब हमारे निकट है और with a heavy heart, यानी अपने भारी हृदय के साथ वह मृत्यु को सामना करने के लिए तैयार हो गए थे कि अब हमारा अंत जो है निश्चित है और अब हम नहीं जीवित रह पाएंगे। द चिल्ड्रन ऑफर्ड मॉरल सपोर्ट, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने उनको जो है मॉरल सपोर्ट दिया, एक नैतिक सपोर्ट किया, किस प्रकार से और क्या कह के किया, उन बड़ों को सपोर्ट किया कि भाई हम अगर साथ हैं तो हम नहीं मर सकते और हमें मृत्यु का कोई डर नहीं, ऐसा कहा था जनार्दन ने। एंड दे डिस्प्लेड मेच्योरिटी एंड टॉलरेंस, यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने अपनी जो मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वपन दिखाया और टॉलरेंस यानी कि किस प्रकार से हमें खतरों को सामना करना चाहिए, उसको सहना चाहिए, ये वाली हिम्मत भी बच्चों ने दिखाई जबकि बड़ों ने तो अपनी आशाओं को ही खो दिया था, उन्हें लग रहा था कि अब हमारा अंत जो है वो निकट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू इंड्योर द डियरेस्ट स्ट्रेस, यानी कि ये कहानी हमें किस प्रकार से बताती है कि आशावादिता मददगार होती है हमें अत्यधिक तनाव को सहन करने में, यानी कि अत्यधिक तनाव को सहन करने में आशावादिता बहुत ही मददगार होती है, ये कहानी ने हमें कैसे बताया। द स्टोरी डिस्प्लेस करेज एंड ऑप्टिमिज्म बाय एवरीवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि साहस और ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता
शोन बाय एवरी वन, यानी हर एक के द्वारा दिखाई गई थी, जो कठिन परिस्थिति थी, कठिन समय था, डिफिकल्ट टाइम है, सर्वाइवल हैपन्स, और यदि वह जीवित बच पाए, उनका परिवार जो है सुरक्षित रह पाया, तो सर्वाइवल हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिज्म स्ट्रगल, यानी जिस प्रकार से, जिस आशावादिता के साथ उन्होंने संघर्ष किया, उनके पूरे परिवार ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, अपनी आशावादिता को नहीं खोया, ऑन विद द इंक्लिनेशन, इस प्रवृत्ति के साथ कि उन्हें जो है एक सकारात्मक रूप दिख रहा था, उन्हें जो है सामने जो है कठिन परिस्थिति तो दिख रही थी, लेकिन कठिन परिस्थिति वो अच्छे उसके लिए कर रहे थे, और उनको मालूम था कि उनका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, इसीलिए वो हर कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास आशावादिता थी। तो उस प्रवृत्ति के साथ टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन, यानी कि स्थिति के दूसरे अच्छे पहलुओं को देखते हुए, और वो अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए आशावादिता उनकी मददगार साबित हुई, और इस कारण से ही उनका सर्वाइवल जो है मुमकिन हो पाया, जिस वजह से उनका सर्वाइवल हुआ, उनका परिवार सुरक्षित आइलैंड पर पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें जो पहुंचाने का काम जिसने सबसे महत्वपूर्ण किया वो आशावादिता ही थी, जिस कारण से वह बहुत ही बड़े तनाव को भी सहकर अपने उम्मीद को ना खोते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैज़ार्डियस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ, यानी कि जब हम मृत्यु का सामना कर रहे होते हैं, फेस टू फेस हम मृत्यु का सामना कर रहे हैं, तो उस समय भी जो मुश्किल अनुभव रहता है उससे हमें क्या लेसन मिलता है, व्हाट लेसन डू वी लर्न, क्या हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किस अनुभव से, फ्रॉम सच हैज़ार्ड, ऐसे मुश्किल के अनुभवों से जब हम बिल्कुल साक्षात मृत्यु का सामने दर्शन कर रहे होते हैं, तो वी लर्न फ्रॉम सच हैज़ार्डियस एक्सपीरियंस, हम ऐसी मुश्किल वाली अनुभव से हमें ये शिक्षा मिलती है अबाउट द पोटेंशियल, कि हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, और ऐसा पोटेंशियल जो हमें साहस देता है, और अपने सहने की शक्ति को, अपने टॉलरेंस को होल्ड करने की ताकत देता है। दे टीच हाउ वी मस्ट रिएक्ट इन द डेयरेस्ट सिचुएशन, ये हमें ये अनुभव, ये मुश्किल घड़ी का अनुभव हमें ये भी शिक्षा देता है कि किस प्रकार से हमें जो है कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे डट कर उसका सामना करना चाहिए, इतनी डेयरेस्ट यानी घातक परिस्थितियों में भी। एंड दे टीच अस दैट वी मस्ट नेवर लॉस होप, और हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आशा की किरण को अंतिम समय तक, बिल्कुल जब तक हम हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमें उसको, अपनी आशा की उम्मीद को कभी नहीं खोना चाहिए। एंड मेक द एफर्ट, और पूरा प्रयास, पूरा कोशिश कर लेना चाहिए टू फाइंड द रीजंस टू स्टे पॉजिटिव, उन कारणों को, उन सकारात्मक सोच के कारणों को ढूंढने का, चाहे जितनी भी, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जितनी भी हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, जितनी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हों, उस समय भी हमें अपनी सोच सकारात्मक रखना चाहिए, सकारात्मक सोच के कारणों को ढूंढना चाहिए, और अच्छे कारणों को ढूंढ कर साहस को दिखाते हुए, अपने धैर्य को रखते हुए, हमें जो है इस जोखिम वाली स्थिति से लड़कर बाहर निकल आना चाहिए। तो चाहे हमारे सामने भी क्यों ना हो, हम मृत्यु को क्यों ना फेस कर रहे हो, उस समय भी हमें अपनी उम्मीदों को जो है गिरने नहीं देना चाहिए, चाहे मुश्किल वाली स्थिति भी क्यों ना बने, तो इससे भी हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। तो इसका आंसर यही है कि हमें ये जो मुश्किल अनुभव होते हैं, ये भी जब हम मृत्यु को सामने फेस करते हैं, तो इससे भी हमें जो है अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऑप्टिमिज्म बने रहना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि आपके अनुसार आप ऐसा क्या सोचते हैं कि लोग खतरों के बावजूद साहसिक अभियानों को हाथ में क्यों लेते हैं, यानी कि इतने वह जानते हैं कि सामने खतरा है, उसके बाद भी ऐसे साहस वाले कामों को अपने हाथों पर क्यों ले लेते हैं, यानी कि रिस्क क्यों ले लेते हैं, रिस्क से भरे हुए कामों को उसको झेलने के लिए क्यों जो है तैयार हो जाते, जबकि उनको मालूम है कि सामने रिस्क है। तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक द पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशन, यानी खतरों के काम को, जोखिमों से भरे हुए काम को क्यों ले लेते हैं इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, जबकि वो जानते हैं कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इस पे खतरा है। तो आंसर है द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस ड्राइव्स पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशन, यानी ये खतरे से भरे हुए काम को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को, वह होती है उसकी खुद की इच्छा। द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, यानी व्यक्ति की यदि इच्छा होती है तो वो कितने भी खतरा हो, कितना भी जोखिम हो सामने, वह ज़रूर उसका सामना करता है, क्योंकि उसे खुद उस खतरे को सामने करके जो उसे प्राप्त होता है वो उसे बहुत ज़्यादा जो है एक
सेटिस्फेक्शन देता है, एक संतुष्टि देता है, इसलिए वह जो है इसके लिए रेडी हो जाता है। द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस ड्राइव्स पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि ये जानते हुए भी कि सामने वाले काम में खतरा है तभी वह जोखिम वाले अनुभवों को झेलने के लिए, उसे फेस करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा होती है, उसकी जो विलिंगनेस होती है वो उसे ऐसे चैलेंज को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। पीपल लाइक टू ट्राई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड सम डू इट एज अ पैशन, यानी ऐसे कई लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्राकृतिक तत्वों को करते हैं, कुछ तो अपने शौक के लिए, अपने जोश के लिए, अपने पैशन के लिए खतरों को झेलना जो है अपना एक शौक समझते हैं। श्योरली पीपल ऑलरेडी नो, निश्चित ही व्यक्ति जानता है, लोग जानते हैं, नो द रिस्क इन्वॉल्व, क्या जानते हैं कि उस खतरे को, जो उस जोखिम से भरे हुए कार्य को करने में जो खतरा है वो उसको जानते हैं, उससे वो बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, परंतु फिर भी वह उसे सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इन सच एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी क्रियाओं को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट स्टिल दे डू नॉट हेजिटेट टू ट्राई इट आउट, और तब भी वे जो है ऐसे खतरे से भरे हुए अनुभवों का सामना करने से हेजिटेट नहीं होते, थोड़ा सा भी घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, वह उसका डट कर सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था और उसका आंसर था। तो बच्चों ये इसके सारे प्रश्न उत्तरों को हमने चर्चा कर लिया है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। बच्चों आप इन्हें तैयार करें, अपने कॉपी पे नोट करें, ताकि जब भी आवश्यकता हो आप इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, और मैं इसी प्रकार से आपके सारे स्टडी कंटेंट जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हैं, वो सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, तब तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।